गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बस मैं यहाँ पर हूँ और आज रानी बोल रही थी आने के लिए, तो हो सकते देखते हैं किस समय तक आती है। दोपहर करीब 12 बजे हैं, तो पिंटू भाई ऊपर है और दीपो भाई के पास में, और मैं यहाँ पर नीचे बैठा हुआ हूँ रिसेप्शन पर। और यहाँ पर ये डॉगी ये काफी मस्त है, ये भी पड़ा रहता है। A few moments later बाहर आ गया हूँ घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पड़ा बोर हो रहा था, तो बस यहाँ पर आया हूँ। बेल पत्थर का जूस पीऊंगा, ये निकालना है, मैं दिखाता हूँ आपके लिए। एक गिलास तैयार कर देंगे मेरे लिए। आ जाओ, जिससे जिससे पीना हो वो पी लो। वो टेस्ट नहीं है जो मम्मी बनाती है, मम्मी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनके हाथों का। जो मम्मी बनाती है तो उसमें ना मतलब थोड़ी सी चीनी भी डालती है, तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है इसके मुकाबले। ये फीका फीका सा लग रहा है, शायद उन्होंने चीनी नहीं डाली। भैया चीनी डाली आपने? नहीं डाली है, नहीं डाली बिना चीनी का। चीनी नहीं डाली, लेकिन मम्मी जी बनाती है ना तो उसमें चीनी डाल देती है, तो वो टेस्टी लगता है काफी और काफी स्वादिष्ट लगता है। एक गिलास सुबह दीपक भाई के लिए पिला दिया, फिर दोपहर में भी पिला दिया दीपक भाई के लिए, और अब मतलब एक गिलास और ले जाता हूँ और पिंटू भाई के लिए भी ले जाता हूँ यहाँ से, तो पिंटू भाई को पिला दूंगा। तो ठीक है, ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद ले जाता हूँ 2 गिलास यहाँ से और पिंटू और दीपक से पिला रहा हूँ। 1 hour later यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ जहाँ पर रसमलाई अच्छी मिलती है, तो दीपक भाई बोल रहे थे कि भैया रसमलाई ले आइयो, तो बस दीपक भाई के लिए रसमलाई लेने आया हूँ और एक रसमलाई पिंटू भाई के लिए भी ले जाऊँ। तो मैं दिखाता हूँ, ये कैंटेरिया में पड़ता है ये रेस्टोरेंट। ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब कम ही है। शाम को करीब 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद करीब भीड़ होती है, तो बस मैं रसमलाई लेकर निकल जाता हूँ यहाँ से पिंटू भाई के लिए और दीपक भाई के लिए दोनों के लिए। ये छोले भटूरे हैं, थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ से छोले भटूरे मतलब ये ऑर्डर किए थे। तो ये छोले हैं, ये चटनी है और ये सूखी सब्जी है आलू की। बस यहाँ पर हमने मेन रोड, तो बस ये छोले भटूरे खाने के बाद निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो ठीक है, खाने के बाद निकलता हूँ यहाँ से रसमलाई लेकर। छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी है यहाँ पर। छोले भटूरे खा लिए और अपने वहाँ से उन्होंने रसमलाई पैक कर दिए, तो मैं यहाँ से रसमलाई उठाता हूँ। ठीक है, मैं रसमलाई लेता हूँ। ठीक है, अब निकलते हैं जीव भाई की तरफ, अपन भाई तरफ, और ये मेन रोड है, इस तरफ से निकलूंगा मैं। वो कह रहा है हेलो। A few moments later और पहुंच रहा है थर्ड फ्लोर पर दीपक भाई के पास। आ गया हूँ थर्ड फ्लोर पर और नहीं खोल देते हैं। 1 hour later रानी आई हुई है, तो रानी से बात कर रहा है। 1 hour later रानी अब जाने वाली है। हेलो
अब रानी चली जाएगी। लो जी आ गए हैं हम ग्राउंड फ्लोर पर, और ये सिमसिम खुल जा। अरे बहुत टाइम हो गया, मैं खोलता हूँ, उससे खुलेगा, अब खुल जाएगा। खुल गया। दीवो भाई से मिल लिए हैं और अब निकलना है, तो बस ना खुल आता हूँ वहाँ पर। A few moments later. तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।